Hello students, today we are going to understand lesson number 4 DRC in social science, social studies of Gulmohar textbook. So what is DRC? It is the land of dense forest. Dense matlab ki bahut ghana jungle. Dense matlab ghana and it is the land of ghana jungle. Bahut jisme बहुत सारे पेड़ उगे रहते हैं, दैट इज नोन एज डेंस. नाउ वी ऑल नो, हम सबको ये बात पता है कि इक्वेटर जो होता है वो किसी न किसी कंट्री के थ्रू तो पास करेगा. तो हमें क्या लगता है वहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट होना चाहिए? अगर इक्वेटर के पास कोई कंट्री है तो वहाँ पे हमने देखा था क्लाइमेट चैप्टर में कि वहाँ पे सनरेज डायरेक्ट फॉल कर रही हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत हॉट क्लाइमेट रहेगा. एंड वहाँ पे क्योंकि इक्वेटर है और एकदम डायरेक्ट सनरेज है तो हॉट कंडीशंस वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर रहेंगी. अब इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इसको एक बार देख लेते हैं. इसमें हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड रिलीफ ऑफ द DRC, दैट इज द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट. देन वी विल स्टडी उस वहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन होता है. वेजिटेशन मींस किस टाइप के वहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ किस तरह की है एंड वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस क्या क्या हैं. देन वी विल नो अबाउट इट्स पीपल एंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट रीजन. नाउ DRC का फुल फॉर्म क्या है? DRC का फुल फॉर्म है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. सो यू शुड नो दिस कि DRC मीन्स, सो इट इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. डी फॉर डेमोक्रेटिक, आर फॉर रिपब्लिक एंड सी इज फॉर कॉन्गो. सो इट इज अ कंट्री, ये एक कंट्री है जो कि कहाँ पे है? डीप इन द हार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. तो हम इस मैप में अगर देखें, जब भी हम पढ़ेंगे मैप से स्टडी अगर करेंगे तो बहुत अच्छे से स्टडी होगी सोशल साइंस पे स्पेशली. तो ये पूरा एक हम आपको दिखा देते हैं, पूरा अफ्रीका का मैप है ये. जैसा कि आप अगर पूरे वर्ल्ड का मैप देखें उसमें अफ्रीका कुछ इस तरह का नज़र आता है. तो इसमें इसके बिल्कुल बीचों बीच या फिर हम कह लें इसके सेंटर में या इसके हार्ट में ये जो रीजन है मार्क डार्क कलर से, दिस इज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. एंड ये कंट्री जो है हमने क्लाइमेट रीजन में देखा था तीन टाइप के जोन होते हैं. फर्स्ट वन इज द ट्रॉपिकल जोन, सेकंड वन इज द टेम्परेट जोन एंड द थर्ड वन इज द फ्रिजिड जोन. सो ट्रॉपिकल जोन इज आल्सो नोन एज टॉरिड जोन. तो ये जो रीजन है DRC ये कहाँ पे है? ये टॉरिड जोन में आता है, टॉरिड और द ट्रॉपिकल जोन. जैसे हमने अर्थ को डिवाइड किया था, बीच वाला तो था ट्रॉपिकल, देन उसके बाद टेम्परेट एंड देन जो पोल्स एरिया में जो रीजन थे दैट वाज द फ्रिजिड जोन. दैट वाज अ क्विक समराइजेशन ऑफ द क्लाइमेटिक जोन्स डिवीजन ऑफ द अर्थ. नाउ अब क्या है कि इक्वेटर इस नॉर्थ DRC से पास करता है, यहाँ से होता हुआ इक्वेटर. फिर से हम मैप की हेल्प लेंगे. तो जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं, दिस इज द इक्वेटर एंड इट इज पासिंग थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस DRC रीजन. ओके, एंड व्हाट हैपेंस दैट कि ये बेल्जियम इसको रूल करता था और फिर बाद में ये इंडिपेंडेंट हुआ 1960 में, और उसको पहले हम कहते थे बेल्जियन कॉन्गो क्योंकि बेल्जियम इसको रूल करता था. जिस तरह से हमारे इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली, उसी तरह से इस रीजन को अपनी इंडिपेंडेंस मिली ईयर 1960 में. एंड 1971 में उसका नाम चेंज हो गया एंड इट वाज नोन एज ज़ायर. सो यू कैन सी हियर द स्पेलिंग ऑफ ज़ायर, ZAIRE. देन फिर से क्या हुआ कि 1997 में उसका नेम दोबारा चेंज हुआ एंड इट वाज नाउ फाइनली इट इज़ नोन एज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ
कॉन्गो, एंड ये इसका अभी करंट नेम है, हम अभी इसको इसी नाम से बुलाते हैं। और इसका कैपिटल जो है, कैपिटल इज किनशासा, किनशासा। सो एज यू कैन सी इन द मैप अगेन, ये DRC रीजन है एंड ब्रैकेट में लिखा है जैर, ZAIRE, जो इसका प्रीवियसली नाम रखा था, एंड इट्स का कैपिटल रीजन यहाँ पे है, दैट इज नोन एज किनशासा। नाउ कमिंग टू द रिलीफ एरिया ऑफ दिस रीजन DRC, अब जो लैंडस्केप होती है इस कंट्री की, वो दैट इज डोमिनेटेड, मतलब वहाँ पे मेनली कौन सा रिवर है, देयर द रिवर फ्लो इज द कॉन्गो रिवर। नाउ अगेन टेकिंग द हेल्प ऑफ द मैप, हियर वी कैन सी कि ये जो DRC रीजन है, यहाँ पे ये कॉन्गो रिवर इस तरह से शो करी गई है ब्लू लाइन से। सो इसका डोमिनेंस है इस रिवर का इस रीजन पे, एंड ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की, विच इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका, इट इज़ द कॉन्गो रिवर, और पूरे वर्ल्ड की ये 7th लॉन्गेस्ट रिवर है। अब क्या है कि जो कॉन्गो बेसिन है वो ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री को कवर करता है, ठीक है, एंड वहाँ पे हाई माउंटेंस है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ईस्टर्न एजेस पे DRC के। सो वी कैन सी ये जो ईस्टर्न एज है DRC का, यहाँ पे बहुत सारे हाई माउंटेंस हैं, और साउथ में और साउथ वेस्ट में, सो समवॉट हियर साउथ में एंड साउथ वेस्ट में, हियर वी कैन फाइंड प्लेट्यूज। सो यू ऑल शुड नो व्हाट आर प्लेट्यूज बाय नाउ, एज यू हैव रेड दिस थिंग इन क्लास 3। प्लेट्यूज अगेन आई कैन टेल यू अगेन दैट प्लेट्यूज आर द फ्लैट लैंड विच आर हायर अबव देन इट्स सराउंडिंग लैंड। So we can see in this map, this is the physical map of DRC, and we can see the shaded region, this whole shaded region is the DRC. अब यहाँ पे कुछ key points दे रखे हैं और इन्होंने बता रखा है, तो if we study this, ये जो इस तरह से lines बना रखी हैं, this is the tropical, whole tropical rainforest region, okay? And ये जो इस तरह से dots बना रखे हैं कुछ कुछ जगह पे, ये जो की है, दीज आर द सवाना रीजन्स। सो हियर हियर इज अ सवाना रीजन, हियर होल दिस डॉट थिंग लाइक, एंड दिस लाइन ब्लैक लाइन रीजन इज द माउंटेन्स रीजन। सो वी कैन सी दिस इज द माउंटेन रीजन, एज हमने बताया था कि ईस्टर्न पार्ट में हाई लाइन हाई माउंटेन्स हैं इन द ईस्टर्न एजेस ऑफ द DRC। नाउ In again in this figure we can see that, okay, one more thing in this map we can see that height above sea level in meters is also shown in this map. So in the earlier chapters we will study about maps, and in maps how can we study it, so this is the way we can know about the map, and there are various key things that we should know, and we can with the help of which हम लोग map को easily study कर सकते हैं। तो ये है 1500 meter, then 1000, this is the height above the sea level and so on. So by taking help of this we can also know that this particular place is how much it is ये ऊँचा है sea level से। Now coming to the Congo River, अभी जो कॉन्गो रिवर है इस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है, अभी बहुत डेंस रेन फॉरेस्ट होते हैं DRC में, उसके थ्रू ये इस तरह से बहता रहता है। सो इट इज़ द डोमिनेंट रिवर एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर, नॉट लार्जेस्ट, इन अफ्रीका। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर ऑफ DRC, दैट इज़ द क्लाइमेट। सो क्लाइमेट अगेन ये क्योंकि इक्वेटर के पास में है ये एरिया, तो इसके ज़्यादातर हिस्से में क्या होगा, ऑब्वियसली इट वुड बी हॉट थ्रू आउट द ईयर, एंड ये आप इजिली अच्छे से समझ सकते हैं आपने अगर क्लाइमेट चैप्टर इस बुक का पढ़ा हो तो। अगेन आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, सो डोंट वरी।
तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर का, क्योंकि सनरेज बहुत ज़्यादा इस पे पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती हैं, तो वाटर क्विकली क्विकली एवेपोरेट होता है, और उसके वजह से जो टेम्परेचर होता है दिन के वक्त, उसमें बहुत हाई लेवल हो जाता है ह्यूमिडिटी का, और क्लाउड्स, बहुत सारे क्लाउड्स और हैवी रेन होती है आफ्टरनून तक। आफ्टरनून होते होते जैसे इवेपोरेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, एंड देन इट विल लीड टू हैवी रेनफॉल। तो ये ऑलमोस्ट हर दिन इसी तरह का वहाँ पे क्लाइमेट रहता है, और इस वजह से ये जो रीजन है ये वेटेस्ट है वर्ल्ड का, वेटेस्ट रीजन दिस इज। अब डीआरसी के कुछ पार्ट्स में, स्पेशली इन द साउथ, वहाँ साउथ का एरिया जो है वहाँ पे इतनी रेनफॉल नहीं होती, बट समर हॉट है एंड वेट है, एंड द विंटर इज कूल एंड ड्राई। क्यों नहीं होती? बिकॉज हम इस मैप में अगर देखें, सो दिस इज द इक्वेटर लाइन एंड दिस इज द नदर्न रीजन, दिस इज द सदर्न रीजन। सो सदर्न रीजन इज समवॉट, ये थोड़ा सा दूर है इक्वेटर से, सो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा इफेक्ट कम रहता है सन रेज का, दैट इज़ वाई यहाँ पे इतनी रेनफॉल वी डू नॉट रिसीव। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर, दैट इज़ वेजिटेशन। अब वेजिटेशन किस तरह की होगी, हम समझ सकते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ पे वेजिटेशन होगी। सो द क्लाइमेट, सिंस इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड, सो दिस क्लाइमेट इज़ आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ डेंस, बहुत घने फॉरेस्ट हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट सूटेबल है, एंड द फॉरेस्ट एरिया दैट देयर इट इज नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो रेन फॉरेस्ट होता है ये पूरा, मतलब ज़्यादातर डीआरसी को वो कवर करके रखता है, और वो हमेशा ग्रीन रहते हैं क्योंकि लगातार वहाँ बारिश आती रहती है, और वहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर उनमें पत्तियाँ लगी रहती हैं, वो झड़ती नहीं है, ड्राई नहीं होती, बिकॉज इट इज़ वेट थ्रू आउट द ईयर। और बहुत सारे ट्रीज वहाँ पे देखने को मिलेंगे, देर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ ट्रीज, और दूसरे भी पौधे होते हैं वहाँ पे। और ट्रीज किस तरह के मिलेंगे, वहाँ पे टॉल ट्रीज होते हैं, और दे फॉर्म अ कैनोपी ऑफ लीव्स एट द टॉप, इस तरह से बिल्कुल बहुत सुंदर से दिखते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस कैनोपी इज फॉर्म्ड एंड द ट्रीज आर सो टॉल एंड दे आर एवर ग्रीन एंड दे डू नॉट, द लीव्स डू नॉट ड्राई एंड दे डू नॉट फॉल, बिकॉज द क्लाइमेट इज वेरी सूटेबल फॉर ग्रोथ। एंड अनदर पॉइंट दैट वॉट हैपन्स इफ देर इज कैनोपी, अगर इस तरह से लीव्स एक कैनोपी बना रही हैं वहाँ पे, तो क्या होगा कि सनलाइट नहीं आएंगी, सनलाइट उसके थ्रू पास वो होने नहीं देगा, आएगी तो बहुत कम आएगी। तो दैट इज़ वाई वहाँ पे क्रीपर्स, क्लाइंबर्स और शर्ब्स वहाँ पे पेड़ों के नीचे ग्रो कर जाते हैं। और कुछ प्लेसेस पे क्या होता है कि कैनोपी इतनी थिक होती है कि बहुत कम प्लांट उसके नीचे ग्रो कर पाते हैं, बिकॉज प्लांट ऑल्सो नीड सनलाइट टू ग्रो। सो एट सम प्लेसेस बिलो कैनोपी वी कैन फाइंड, एज आई टोल्ड यू, कि क्रीपर्स, क्लाइंबर्स और श्रब्स मिलते हैं, और कुछ एरिया पे तो प्लांट नहीं ग्रो करते हैं। सो अगेन आई एम शोइंग यू द पिक्चर, ये पिक्चर देख सकते हैं द रेन फॉरेस्ट। नाउ क्या आपको पता है कि कॉन्गो रेन फॉरेस्ट जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में आफ्टर द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो कॉन्गो रिवर है, दैट इज़ वाई उस रेन फॉरेस्ट का नाम हमने रख दिया कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, बट इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एंड द कॉन्गो रिवर इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट। सो दीज टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, दैट बोथ आर सेकेंड सेकेंड, ओके, एंड अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। सो देर आर लॉट्स ऑफ पिक्चर हियर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विल कम्प्लीट एंड देन हम एक पिक्चर्स को देखेंगे वन बाय वन। अब डी आर सी के कुछ पार्ट्स पे क्या होता है कि मोस्टली साउथ में, जहाँ पे क्लाइमेट हमने बताया था कि इतना गर्म और वेट नहीं होता है, तो वहाँ पे वेजिटेशन थोड़ी सी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। अब क्या है कि डेंस फॉरेस्ट की बजाय वहाँ पे होते हैं ग्रासलैंड्स और कुछ कुछ स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं। तो ये ओपन ग्रासलैंड्स को व्हाट वी कॉल देम एज सवाना। सो जो सदर्न पार्ट है डी आर सी का, इट वहाँ पे वेजिटेशन होगी मेनली ग्रासलैंड्स बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट।
एंड ड्यू टू द क्लाइमेट द ट्रीज आर स्कैटर्ड, दूर 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 होंगे ट्रीज, और उस और जो ग्रासलैंड्स है वहाँ की, दे आर नोन एज सवाना. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड सवाना. नाउ वाइल्ड लाइफ, कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर, वाइल्ड लाइफ. अब इतने घने जंगल हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज़्यादा होगी और बहुत सारी वैरायटीज होगी, बिकॉज दे हैव देयर नेचुरल हैबिटेट एंड दे हैव द सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस टू फ्लरिश. तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी होती है फॉरेस्ट में और सवानास में. तो यहाँ पे क्या क्या एनिमल्स मिलते हैं देख लेते हैं ज़रा. एलिफेंट, बफेलोज, गोरिल्लास, चिंपैंजीज, बबूंस, हिप्पोपोटामस एंड राइनोसोरस. सो ये कुछ कॉमन मैमल्स हैं. वी नो व्हाट आर मैमल्स. मैमल्स आर द वंस हु फीड देयर यंग वंस थ्रू मेमरी ग्लैंड्स. सो दोज एनिमल्स आर नोन एज मैमल्स. नाउ वी कैन सी इन द पिक्चर, वी कैन सी हियर देयर इज अ राइनोसोरस एंड व्हाट इज रिटन दैट दिस इज द रेयरली सीन पिग्मी हिप्पोपोटामस दैट लिव्स इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट. सो ये जो पिग्मी हिप्पोपोटामस है दैट इज स्मॉल हिप्पोपोटामस. पिग्मी मीन्स स्मॉल. सो दिस हिप्पोपोटामस पर्टिकुलरली इट, ये कहाँ रहता है? ये रेन फॉरेस्ट के वेस्टर्न हिस्से में रहता है. अगेन आई एम गोइंग टू शो यू मोर पिक्चर्स. नाउ यू कैन सी ज़ेब्रास, lots of zebras, they are grazing in the savanna grasslands. So savanna grasslands is the southern part of the DRC. So yahan pe bhi kuch animals hain jaise ki zebras hain. And again we can see in the picture a beautiful parrot. This is known as the Congo African grey parrot. So dekho ki parrot ka naam bhi humne Congo pe rakh diya because wahan pe Congo river itna famous hai. So Congo rainforest, Congo green, that is African grey parrot. So it is the most intelligent birds. So this parrot is an intelligent bird. So can you imagine, birds are also intelligent. Now let us move to the next page and see. So mammals are found in the forest that I told you earlier. And aur uske alawa kya kya hai, ये तो एनिमल्स थे ही थे. इसके अलावा लायंस, लेपर्ड्स, जिराफ, ज़ेब्रास, वुल्स, एलिफेंट्स, चिंपांजीज, रोम द सवानास. तो ये सवानास में घूमते फिरते रहते हैं, इधर उधर चलते फिरते नजर आ जाएंगे इफ़ यू गो टू सवाना. और कौन से एनिमल्स हैं? रेप्टाइल्स में वी कैन सी क्रोकोडाइल्स. तो ये यहाँ के रिवर में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं, मगरमच्छ. एंड बहुत टाइप की बर्ड्स मिलेंगी क्योंकि इतना घना जंगल है और उसमें इतने ट्रीज में ब्रांचेज हैं, तो घर को भी एक हैबिटेट मिल जाता है रहने को. और इंसेक्ट्स, ऑब्वियसली फॉरेस्ट है तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं. देन इन इंसेक्ट्स में स्पेशली सेट से फ्लाई, इट इज़ नॉट टीसे टीसे फ्लाई, इट्स सेट से फ्लाई विच कॉजेज द ड्रेडेड स्लीपिंग सिकनेस. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि विच टाइप ऑफ फ्लाई कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस. अगर ये फ्लाई बाइट कर जाती है तो यू हैव अ सिकनेस दैट इज नोन एज स्लीपिंग सिकनेस. दैट इज आपको नींद आती रहेगी अगर ये बाइट कर गई तो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फीचर, नेक्स्ट फीचर आर द नेचुरल रिसोर्सेज. अब DRC में सारी चीज़ें इतनी रिच हैं, फॉरेस्ट इतने घने हैं, एनिमल्स इतने सारे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सारे होंगे. तो DRC हैज़ रिच नेचुरल रिसोर्सेज. और यहाँ पे क्या क्या मिलता है देख लेते हैं. कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड, यूरेनियम एंड डायमंड्स इन सदर्न DRC. सो सदर्न पार्ट में इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं. एंड और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिपॉजिट है कोबाल्ट का यहाँ पे DRC में. सो ज़्यादातर मिनरल्स एक्सपोर्ट होते हैं. अब यहाँ पे तो सारे मिनरल्स काम में लेंगे नहीं, तो उसको वो दूसरी कंट्री में भेजते हैं, बाहर की कंट्रीज में भेजते हैं और दे अर्न large amount of profits. Ab about 48% of the land that is covered with forest. So DRC mein forest resources bhi bahut acche hain. Africa mein jo DRC hai usme forest resources bahut acche, because 48% wahan ki land forest se hi covered hai. So forest resources bhi bahut acche hain. Then another, water is also another important natural resource wahan pe. To wahan pe डैम्स वहाँ के रिवर में बनाए गए हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. सो
ये थे वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस एंड नाउ कमिंग नेक्स्ट एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर क्या है, वहाँ पे बहुत सारे लार्ज एरियाज में फार्मिंग करी जाती है, जहाँ पे हमने लोगों ने फॉरेस्ट हटाए हुए हैं, क्लियर किए हुए हैं, और मेजर फूड क्रॉप वहाँ पे जो ग्रो होती है वो क्या है, कसावा, मेज एंड राइस. और दूसरी कौन सी क्रॉप्स हैं, जो बेवरेज क्रॉप्स हैं, दैट आर कॉफ़ी, कोकोआ एंड अगेन रबर एंड कॉटन, ये भी वहाँ पे उगाई जाती हैं. और ज़्यादातर जो भी है यहाँ पे फार्मिंग ज़्यादातर एक्सपोर्ट के लिए की जाती है. देन वहाँ के किस टाइप के लोग होते हैं, द पीपल ऑफ DRC. सो DRC बेसिकली इट इज़ थिनली पॉपुलेटेड बिकॉज वहाँ पे ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया है, सो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते नहीं हैं. ज़्यादातर लोग वहाँ पे विलेजेस, गाँव में रहते हैं, इन द हाईलैंड इन द ईस्ट. तो हमने जैसे पढ़ा था शुरुआत में ही कि ईस्टर्न एरिया में हाई माउंटेन्स है, ईस्टर्न एज में DRC के, सो वो हाईलैंड्स में ज़्यादा रहते हैं लोग वहाँ पे विलेजेस में एंड अलॉन्ग द रिवर्स, और रिवर्स के पास भी रहते हैं बिकॉज वो एरिया बहुत फर्टाइल होता है, सो वहाँ पे वो फार्मिंग कर सकते हैं, दे कैन डू फार्मिंग, सो दे स्टे अलॉन्ग द रिवर. और सिर्फ 30% लोग वहाँ के सिटीज़ में रहते हैं, और सिटीज़ में मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और जो रिच सिटी ड्वेलर्स हैं वो घरों में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, गाड़ियाँ भी चलाते हैं, बट जो पुअर हैं वहाँ पे वो क्राउडेड अनहेल्दी कंडीशंस में रहते हैं, स्लम्स में जनरली. अब जो विलेजर्स हैं वो किस तरह के मकानों में रहते हैं, वो रहते हैं थैच्ड हट्स, और अलग अलग ट्राइब्स में रहते हैं, ट्राइबल ग्रुप, ओके, एंड और उनके अपने अपने ट्रेडिशंस, कस्टम्स वो फॉलो करते हैं. हमने सुना होगा कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनके अपने ही कुछ अलग कस्टम्स होते हैं, तो उसी तरह से उन लोगों के भी अलग कस्टम्स होते हैं. और कितनी ट्राइब्स हैं, देर आर अबाउट 200 ट्राइब्स इन द DRC, ट्राइब्स आदिवासी लोग जिन्हें हम कहते हैं. सो जो बहुत वेल नोन इनहैबिटेंट हैं वहाँ DRC के, दे आर नोन एज पिग्मीज. वॉट दे आर नोन एज, दे आर नोन एज पिग्मीज. हमने एक पिग्मी हिपोपोटामस भी अभी उसकी पिक्चर देखी थी, तो इनका सिमिलर नेम है. तो बहुत लंबे समय पहले क्या हुआ था कि पिग्मीज रहते थे वहाँ पे, पूरे DRC में वो लोग रहते थे, और कुछ सेंट्रल अफ्रीका के पार्ट में रहते थे, बट अब उनके प्रजाति कम हो गई है और वो संख्या में कम हो गए हैं, और वो कुछ कुछ पार्ट्स में ही रहते हैं रेन फॉरेस्ट के. तो पिग्मीज उनको क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे आर शॉर्ट इन हाइट, उनकी हाइट कम होती है, और वो अपना फूड कैसे गैदर करते हैं, बाय हंटिंग एनिमल्स, एंड वो प्लांट फूड को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं. और रहते कहाँ हैं, वो रहते हैं कैंप्स में, एंड वो कैंप भी वो कुछ हफ्तों तक उसमें रहते हैं, देन वो दूसरी स्थान में लोगों की, सो वो भी इधर से उधर वैंडरिंग ट्राइब्स होती है, तो ये लोग भी इस तरह से एक कैंप छोड़ा फिर दूसरे में चले गए, तो दे लिव लाइक दिस. और वो अपनी हट किससे बनाते हैं, वो ट्री, क्योंकि घने जंगल इतने हैं, तो फिर वो उसको काट काट के उसके ब्रांचेस से, लीव से, उससे बना लेते हैं अपनी हट्स. अब वेदर क्या है, हॉट और ह्यूमिड है, तो ज़्यादातर ट्राइबल लोग जो होते हैं ना वहाँ के, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी हॉट एरिया, तो दे डू नॉट वेयर मैनी क्लोथ्स, वो ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते हैं. एंड यू कैन, आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ पिग्मीज, यू कैन सी हियर पिग्मीज विद देयर हंटिंग नेट्स, सो दे आर कैरिंग, दिस इज द हंटिंग नेट एंड दीज आर द पिग्मीज, एंड यू कैन सी दे आर नॉट वेयरिंग मच क्लोथ्स बिकॉज द क्लाइमेट यहाँ पे किस तरह का है, हॉट एंड ह्यूमिड, सो दे आर नॉट वेयरिंग मच क्लोथ्स. क्या आप जानते हैं कि DRC जो है वो richest country है world में in terms of natural resources, but फिर भी इस कंट्री के जो लोग हैं ये वन ऑफ द पुअरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में. सो द कंट्री हैज सीन सेवरल वॉर्स इन विच मिलियंस हैव डाइड, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे युद्ध हुए हैं जिसमें बहुत लोग मरे हैं, बिकॉज और दूसरी कंट्रीज़ के लोगों ने यहाँ पे इनको ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी है, बिकॉज यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं. बट ऑन स्पेशल ओकेजन्स क्या होता है, कमिंग टू आर पिग्मीज ट्राइब पॉइंट, यहाँ पे स्पेशल ओकेजन पे वो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, ओके, एंड दे एंजॉय सिंगिंग, डांसिंग एंड टेलिंग स्टोरीज.
नाउ द लास्ट फीचर इज ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्टेशन किस तरह का है वहाँ पे देख लेते हैं. रेल और रोड कनेक्ट करते हैं सिटीज को एक दूसरे से, बट लैंड ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, इतना डेवलप नहीं है वहाँ पे. और वहाँ पे रिवर कॉन्गो है तो वाटर ट्रांसपोर्ट रिवर कॉन्गो के थ्रू होता है और दूसरे रिवर्स से होता है. एंड द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज थ्रू वाटर. नाउ वी कैन सी फ्यू पिक्चर्स ओवर हियर. यू कैन सी अ पिग्मी कैंप. दे हैव मेड दिस कैंप विद द हेल्प ऑफ ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड लीव्स. फिर हम यहाँ पे देखते हैं ये ट्रेडिशनल डांस है. दिस इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ द बाका पिग्मीज. So they are wearing colorful clothes, ornaments and all that. And now you can see the capital of DRC, that is the Kinshasa. And it is built on the banks of the river Congo. Okay. Now एक बार ये भी देख लेते हैं. क्या आपको पता है कि ग्रेट एप्स की तीन स्पीशीज जो हैं वो DRC में रहती हैं. And ये कौन कौन सी हैं? द कॉमन चिंपांजी, द बोनोबो एंड द गोरिल्ला. और यही एक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसमें बोनोबोस वाइल्ड में पाए जाते हैं. एंड उनको क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड पिग्मी और ड्वार्फ चिंपांजी. अब देखो पिग्मी चिंपांजी का नाम भी पिग्मी रख दिया इन्होंने. सो दे आर एंडेंजर्ड एनिमल्स. एंडेंजर्ड एनिमल्स वो होते हैं जो कि एक्सटिंक्शन की कगार पे होते हैं, मतलब जो विलुप्त होने के कगार पे होते हैं. दे आर गोइंग टू डाई फास्ट और उनकी जो स्पीशीज हैं वो बहुत कम रह गई हैं. ओके. एंड देयर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इज ओनली अबाउट 10,000. सो आप देखिए सिर्फ 10,000 रह गए, तो उसमें से अगर ये अगर चलते जाएंगे इसी तरह से मरते जाएंगे तो एक दिन इनकी प्रजाति बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी. So, now we can see the summarization of this chapter. ये chapter पढ़ने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो DRC है वो कहाँ पे located है. It is located in the tropical zone in the Central Africa. अब DRC का climate hot और wet होता है. ज़्यादातर इसका जो areas है ये tropical rainforest से covered है. And some part is covered with savanna, that is the grasslands. एंड DRC मिनरल्स और फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत रिच है और ज़्यादातर लोग विलेजेस में रहते हैं. और जो पिग्मीज हैं वो सबसे ज़्यादा वेल नोन ट्राइब है यहाँ DRC की. सो दिस वॉज द होल टॉपिक अबाउट द DRC, द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर सच अ पेशेंट लिसनर.